गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आज डे फर्स्ट था तो थोड़ा मैं डिले उठी बिकॉज आज संडे था, पर सबसे पहले मैंने अपने मम्मी के छुए पैर, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उनको हम बहुत मिस करते हैं, पूरी फैमिली हम बहुत याद करते हैं उनको, हर वक्त हर पल हर सिचुएशन में हमें उनकी बहुत याद आती है। शी वॉज सो ब्यूटिफुल, आप फोटोज़ भी देख सकते हो उनके। फिर मैं निकलती हूँ अपने गार्डन वहाँ पे मेरे को मिलता है एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा फ्लावर जो कि मैं लगाती हूँ अपने साइड में। उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि आज हम बनाएंगे जूस। तो उसके लिए जैसे मैं एंट्री लेती हूँ, मैं को पापा ऑलरेडी वहाँ पे पानी डालते हुए दिख रहे होते हैं, वो पौधे में पानी डाल रहे होते हैं। वो कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा धूप है तो पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो मर जाएंगे। फिर मेरे को मिलता है संतरा, ये ऑलरेडी गिरा हुआ था नीचे जो कि मैंने रखा, काफ़ी सही था। फिर मैं देखती हूँ पेड़ में, तो पेड़ के नीचे मेरे को और संतरे मिलते हैं जो कि मेरे को कुछ ठीक ठाक लग रहे होते हैं, तो मैं सबको रखते जाती हूँ जो मेरे को सही लगता है। इसमें थोड़ा सा लाइक यू नो आप फ्रंट पे देख सकते हो ठीक नहीं है, बट फिर भी मैंने रखा। मैंने सोचा कि चलो देखते हैं घर ले जाके कि क्या करना है इसका। जब मैं देखती हूँ पेड़ में तो मेरे को सारे ग्रीन ग्रीन संतरे दिख रहे होते हैं, बट स्टिल मुझे एक बेटर दिखा, ये फ्रंट वाला, ये वाला, तो मैंने इसको तोड़ लिया। ये काफ़ी सही सा लग रहा था, लाइक अप्रॉक्स लग रहा था कि ये पकने वाला है, तो मैंने इसे तोड़ लिया। दो तीन और मुझे नीचे मिलते हैं सही सही, तो उनको मेरे को लगता है कि इट्स वॉकिंग, तो मैं उसको भी रख लेती हूँ। और जैसे अंदर जाती हूँ मेरे को और संतरे दिख रहे होते हैं, आप देख सकते हैं एक अंदर वो जो बहुत अच्छा है, ये सड़ा हुआ था उसे मैंने नहीं उठाया, ये मेरे को सही लगा, इसको मैंने रख लिया। उसके बगल वाला वो, एंड आप उधर देखोगे तो वहाँ पे और एक संतरा मिलता है, उसे भी मैं रख लेती हूँ। ऐसे कर करके मेरे टोकरी में प्रॉक्स 1 2 3 4 5 और एक डाला 6 संतरे हो जाते हैं जो कि इनफ होता है। फिर मेरे को एक अमरूद दिखता है ठीक, तो मैंने पापा को बोला तोड़ने के लिए, बट उसको ऑलरेडी कोई खा रखा है, कोई इन द सेंस कोई बर्ड खा रखा होगा, जूठा था तो उसे मैंने छोड़ दिया। फिर मैं अंदर गई थी तो मेरे पैर में बहुत गंदगी, बहुत डस्ट हो रखा था, तो मैंने उसको अच्छे से धोया बिकॉज पानी में डाल रही थी, तो मेरे को बहुत अच्छा रिलैक्स फील हो रहा था बिकॉज धूप लग रही थी और ठंडा ठंडा पानी। ये हमारे गार्डन का साइड वाला पोर्शन है जिसमें वेराइटीज़ ऑफ ट्री हैं, कुछ फ्रूट्स के हैं, कुछ डिफरेंट है। फिर मैं निकलती हूँ अपने घर की, और जैसे मैं निकलती हूँ साइड में मेरे को दिखता है ये टर्मरिक का पेड़ जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। आप देखो कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है इससे, और इसके बीच में जो फ्लावर है वो भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है। फिर मैं आती हूँ घर और मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ अपने जूस का। ये देखो ये जो छीलने का टेक्निक है ना, ये संतरा के जो छिलके को हटाने का टेक्निक है, ये मैं सीखी हूँ जो जब भी मैं जूस पीती हूँ, कोई जूस कॉर्नर होता है अगर मैं देख रही होती हूँ तो वो ऐसे छील रहे होते हैं, तो मैं उन्हीं का ये कॉपी कर रही होती हूँ। और ऐसे कर कर के लिए धीरे 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 मैंने सारे संतरे अच्छे से छीले, अच्छे से वॉश करा, क्योंकि आप देखे थे बहुत ज़्यादा डस्ट लगा हुआ था उसमें, तो वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर धीरे धीरे करके मैंने सारे संतरे अच्छे से एक एक करके छीला, सबको साफ करा, और उसके बाद जब ये प्रॉपर मेरे को लगता है कि सब साफ़ हो जाता है, फिर हम निकालना शुरू करते हैं इसका जूस। मेरे बस की नहीं थी एक्चुअली, इसमें बहुत फोर्स लगता है, तो मैंने अपने पापा को बोला एंड ट्रस्ट मी, जो भी जूस निकाल रहा होता है ना उसको, उसी को जूस पीने की ज़रूरत है बिकॉज इसमें आधा जो मेहनत होता है ना ये पूरा जूस निकालने में चला जाता है। फिर मैं डालती हूँ इसमें ब्लैक सॉल्ट, आई डोंट नो इसको ब्लैक सॉल्ट क्यों बोलते हैं, बट ये पिंक था तो मैंने इसको डाला, इट वॉज पिंक सॉल्ट एक्चुअली, इसको मैंने डाला 100 ग्राम मिक्स। और मेरा यहाँ पे होता है हैप्पी संडे, मैंने स्टार्ट करा अपना ब्रेकफास्ट, मैंने रखी है इडली चटनी और जूस। एंड थैंक यू एवरीवन, एंड वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।